न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस अरे पार्टिकल एंटीटेलर न्यूक्लियस ढूंढ लेना मेनी मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस और स्मॉल नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कितना है या फिर एक न्यूक्लियस को एक पार्टिकल कितना होता है ठीक है अरे डीके किसका हो रहा है न्यूक्लियस का हो रहा है ना तो न्यूक्लियंस को अलग अलग नहीं गिनना है न्यूक्लियस को काउंट करना है जैसे मान ले कि एक मोल सब्सटेंस है तो उसमें कितने न्यूक्लियस हुए तो इतने सारे न्यूक्लियस हो गए ना उनकी बात कर रहा हूँ पार्टिकल मतलब एटम हम न्यूक्लियस का डीके पढ़ रहे हाँ हो सकता है ना तो फिर तो आपने बोला बहुत सारे होने चाहिए न्यूक्लियस अरे नंबर्स बहुत सारे होने चाहिए अब जब जैसे एक करोड़ रिएक्शन में एक मतलब मोल है पूरा है जैसे एक करोड़ पार्टिकल्स है तो एक एक का ही तो डिके होगा ना एक करोड़ में से मान ले के 50 लाख का डिके हो गया तो 50 लाख नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गया ना समझ गया और एक न्यूक्लियस तो कैसे पॉसिबल है एक पूरे मोल में होते हैं बहुत सारे बंच में होते हैं 1 2 3 4 5 10 तो होते ही नहीं है कोई भी ऐसे एटम हो जिसका कम एटॉमिक नंबर हो और बहुत सारे तो डीके होगा डीके उन्हीं का होगा जो डीके कर सकते हैं जैसे कि 170 के ऊपर वाले मतलब एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है ना डीके बिल्कुल करेगा ना मतलब ये एटॉमिक नंबर का लिख रहा है ना कि रेडियोएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहे मास मास नंबर लिख रहे हैं सर अरे कहां से कहां पहुंच गया सर ये क्वेश्चन निकल रहा है कि 10 न्यूक्लियर 10 निकले होंगे तो उसके रेडियोएक्टिव हो गए अरे एक न्यूक्लियंस हो गया न्यूक्लियर वो न्यूक्लियर थे न्यूक्लियंस थे उसमें से अरे मेरी बात सुन एक एक मोल सैंपल है यूरेनियम का एक मोल है तो कितने न्यूक्लियस हुए इसके अंदर बहुत सारे अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सिर्फ 10 न्यूक्लियस है यूरेनियम के तो उनका डिके नहीं होगा ओके समझ गया समझ गया तो ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होने चाहिए बहुत सारे होने चाहिए ठीक है आगे बस समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे x से y बन रहा है n इक्वल टू 0 पे क्या निकल रहा है n इक्वल टू 0 पे ये आपको दे रखा है नॉट ये आपको दे रखा है 0 t सेकंड पे ये आपको हो जाएगा कितना n नॉट माइनस n नहीं सॉरी ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा n नॉट माइनस n आई बस समझ में फाइंड द प्रोबेबिलिटी आपस में समझ आया बातें नहीं Find the probability that a particle is not disintegrated till t second. Find the probability that a particle या particles are not disintegrated till t second. Not disintegrated की probability find out करनी है। ऐसा एक logic बताओ। Half आएगा? नहीं आएगा। N upon N not सही है। Not disintegrated की probability बतानी है। T time के बाद। N किसी के नहीं integrated हुआ है तो N not नहीं हुआ होंगे। मतलब N not total है। Total N हुआ है तो। N नहीं हुए जो बचे वही तो नहीं हुआ है N हो गए N रह गए N रह गए हाँ अरे not disintegrated पूछा है कि जो बचे हुए उनकी कहने का मतलब है कि t time पे जो particle बचे हुए active nuclei की probability है N by N not है ना N by N not N की value क्या लिख सकते हैं N not e की power minus lambda t है ना
तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? e की पावर माइनस लैम्डा टी n डिवाइडेड बाई n नॉट, n की वैल्यू हो जाएगी n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई n नॉट, ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी। बहुत सारे में से मेरे को ये बताओगे कि आधे आधे दिखी हो जाएंगे? नहीं, आधे का कहाँ बोला, हाफ लाइफ पे थोड़ी ना बोला है, टाइम टी पे बोला है। अब ये तो नॉट डिसइंटीग्रेटेड की थी, डिसइंटीग्रेटेड की कितनी हो जाएगी? कितने पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं? या तो टोटल मिल गई तो 1 माइनस कर दो, या फिर कितने पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं? n नॉट माइनस n, n नॉट माइनस n डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं डिवाइडेड बाय टोटल n नॉट, n नॉट। तो ये हो जाएगा n नॉट माइनस n की वैल्यू कितनी है, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t डिवाइडेड बाय n नॉट। तो ये n नॉट n नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा into, दोनों लिख लेना क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद होता है एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी? इसको या तो कैपिटल आर से या फिर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझने में? एक्टिविटी को लिखा जाता है dN by dt को एक्टिविटी लिखते हैं। dN by dt को क्या लिखते हैं? एक्टिविटी। माइनस के साथ लिखते हैं। माइनस और dN by dt को क्या लिखते हैं अपन? एक्टिविटी लिखेंगे। समझ आ गई बात की? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? माइनस और dN by dt इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? एक्टिविटी। n into lambda, n into lambda। तो इसको तो क्या लिख सकता हूं मैं? r, r equal to lambda। तो r equal to कितना हो जाएगा? n लैम्डा हो जाएगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं माइनस dN by dt जो होगा, n की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा? n नॉट इनटू लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t, n की वैल्यू पुट कर दी तो इसको अपन बोलते हैं r नॉट। ये तो हो जाएगा क्या? r, ये हो जाएगा क्या हमारे पास? r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t। अब r जो है वो डिसइंटीग्रेशन की रेट है। dN by dt क्या है? डिसइंटीग्रेशन रेट, यही तो है ना। तो इसके जो यूनिट्स होते हैं, पहला होता है dps। dps का मतलब क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेशन फॉर टाइम, है ना। दूसरा होता है बैक्टीरियल, व्हाट, बीक्यू, थर्ड होता है क्यूरी, क्यूरी 3.7 इनटू 10 रेस टू पावर 10 डीपीएस। उन्होंने तो डिस्कवरी किए दोनों, क्यों लिख रहा है 1 डीपीएस और 1 बीक्यू इक्वल टू 1 डीपीएस? एक ही हुआ, वन रदरफोर्ड होता है 10 रेस टू पावर 6 न्यूटन को लिख सकते हैं ना, डीपीएस रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सही है कि गलत है? सही है। अरे वो देखना तो 10 रेस टू पावर 6 ही होता है ना, नहीं है इसमें, नहीं होगा बोर्ड वाले में होगा, बोर्ड की बुक तो अभी नहीं है। अरे किसी के पास है? इनके पास है, मॉड्यूल में है, दूसरे रूम में। मेरे पास है सर, बोर्ड की। अरे पास है, बोलते क्या? बैक्यूरल स्पेलिंग बता, स्पेलिंग का बी क्यू डबल ई। अबे जब को भाई वही दिखना है यार, पूरा लिख लेते बता पक्का पता है। मतलब तो साइंटिस्ट का नाम पूरा लिख रहा है ना, बाकी चीजें तो छोड़ देता है। तो नहीं नहीं क्या होता है? सिक्स ही है ना, पक्का ना? और ये आर यू है या आर डी है? एक बार वो भी देखो, आर डी रदरफोर्ड, आर डी, आर डी कर बी क्यू का।
अरे क्यूबिक क्यूब कब से कर रहा है प्रोबेबिलिटी पीसी तो रिप्रेजेंट करते हैं ना प्रोबेबिलिटी लिख दिया वहां पे सर वो अमन जो कह रहा था ना वो ऐसे दूसरे वाले के लिए हो सकता है क्या बोल रहा था मतलब या तो इंटीग्रेट हो गया डिसइंटीग्रेट हो गया तो दोनों का सम वन होगा पर वो बेटा सम वन होगा वो तो ठीक है वो ठीक है नहीं आधा नहीं होगा आधा नहीं होगा वो हाफ बोला था सबकी प्रोबेबिलिटी आधी हो जाती है तो ना कितना से और कितने भी टाइम पे निकालो सब हमेशा यहां पर आधी फिट होगा कितना से रहता है याद ही नहीं करना पड़ता ये लिख लिया नहीं सर एक मिनट इसके बाद होता है मीन लाइफ वो हाफ लाइफ का डबल नहीं होता है ये होता है जो भी स्टोरी से होता है हाफ लाइफ का सम होता है उसका हाफ देखो मीन लाइफ निकालने का तरीका तो जैसे अपन उसमें निकालते थे ना मीन किसमें एसी में अपन ने मीन वैल्यूज फाइंड आउट करी है फार्मूला तो वैसे लगाना पड़ेगा आरएमएस वाला नहीं स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा और एक बात की वो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन अपॉन नीचे पूरा तो मीन निकालने के लिए यहां से क्या करना पड़ेगा अपने को मीन लाइफ जो निकालना है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास t into dn divided by dn t into dn divided by dn dn करके निकालना पड़ता है अब पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है dn की वैल्यू क्या पुट करोगे dn की वैल्यू हो जाएगी क्या हमारे पास n not lambda into dt rdt rdt समझ ही बात ये पूरे को सॉल्व करना है अपने को सॉल्व करके आंसर जो मिलेगा वो 1 / lambda मिलता है ये क्या बात है t mean equal to 1 / जरूरत नहीं है वो वैल्यू पूरी पुट करके निकालना पड़ेगा कोई जरूरत नहीं है निकालने की वो पूछेगा ही नहीं टी मीन कितना होगा 1 / लैम्डा और वो एल एन 2 / लैम्डा कितना होगा एल एन 2 / लैम्डा ln 2 / lambda lambda से lambda कैंसिल आउट हो जाएगा 1 / ln 2 point minus 2 तो ये 1.44 करना तो एक बार डिवाइड अरे बात ही क्यों कर रहे हो चिंटू देखो ना मशीन जैसे यूनिट में भटका रहा है 1.44 है ये तो क्या और जो है सीरीज यूनिट है हां सर वही आ रहा है वही आ रहा सर 1.44 आ रहा है 1.44 आ रहा है हां सर पर वो ऐसा यूनिट में बैक्यूलर है 9 डीपीएस सर ऐसा यूनिट तो डीपीएस होता है तो वो एक बार चेक करना तो बैक्यूलर सर सीजीएस यूनिट है सर ऐसा ही होगा चेक करना तो सीजीएस यूनिट हो डेटा दोनों एक ही होंगे ना जो भी होंगे वही देखिए ये दोनों सेम ही होने चेक करना तो एक बार क्योंकि दोनों में सेकंड सेकंड ही होता है डीडी सब में सेम ही होता है इंटीग्रल लेकिन ऐसा ये नहीं है सीजीएस सीजीएस वो तो देख सीजीएस क्या मैंने बोला था ना सीजीएस कुछ नहीं होगा सीजीएस रदर फोर्ड अरे ऊपर डालना सर्च पे वही डाल सीजीएस यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी क्यूरी होगा इजान और दस भी साइंटिस्ट टमाटर रदर फोर्ड का भी मार्टर टेक के बनाया होगा मैंने तो उठ नहीं होगा तो इसीलिए बोला था यहाँ बैठो तो सीजीएस यूनिट क्या है बैक्यूरल है नहीं सर क्यूरी है ऐसा यूनिट है अपना बैक्यूरल क्यूरी क्यूरी है क्यूरी हां सर क्यूरी है अरे मैंने कितना पढ़ा है
ये तो ऐसे ही है तो यूरी यूरी अलग अलग रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? दोनों सही है या दोनों गलत? अरे पैसा से जैसा भी क्यूरी आ रहा है देखो वही सर करता है ना। अरे वो तो सर को फोकस हो गया। अरे तो भी बाकी में दो तीन रिजल्ट अलग अलग है। फालतू बात नहीं, काम की बात करनी है तो मुंह खोलो। सर ये तो एक ही हुआ ना, डिपोजिट पर तो काम की बात करनी है तो मुंह खोलो नहीं तो बंद करो। ठीक है, समझ आ गई बात? ये हर्ट्ज कैसे होगी? ये नंबर ऑफ पार्टिकल में मोल्स नहीं आ रही क्या उसमें ऊपर? पर डिसिंटीग्रेशन से होगा। अभी तो नंबर ऑफ पार्टिकल में मोल नहीं आ रहे क्या? मतलब ऐसे तो क्या कहते हैं वो रेडियन पर सेकंड में ऊपर एंगल आता है, नीचे सेकंड आता है, तो उसकी भी हर्ट्ज बनाते हैं। तो फिर तू हर्ट्ज लिख ले बस, तो रैकेट में लिख ले। सर विकिपीडिया में वेक्टर एसआई यूनिट और बाकी सब उसी तरह से लिखा, नॉन एसआई यूनिट बताओ। हमने भी देख लिया है तो CGS नहीं ढूंढनी है उसकी। CGS क्या है? ऐसा ही मत बताओ, CGS बताओ क्या है? CGS लग रहा है वो RD होगी, और ऐसा ही अभी भी क्यों है? CGS RD होगी और क्यों है ना वो पहले कैसा ही बैठती है पुराने जमाने कहीं मिला हाँ कहीं देखा नहीं इस पर। सर ये ऐसा बोल रहे हैं उनके ऊपर से नई डिस्कवरी का सर पर सर क्यूरी बहुत पुराने जमाने की थी और ये सब मैं हो सकते हैं तो सही हो और हो सकता है तो गलत भी हो। तो क्या लगता है दोस्त? सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत होगा तो ये सबको गलत याद हो जाएगी। तेरी वजह से सबका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और कैसा 3.7 और 1 उसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए नहीं आई यूनिट है। 3.7 का डिफरेंस ये 3.6 से बात करना बेकार है। ये देखो इसका दूसरा रिलेशन भी लिख लेना, ये कभी उल्टा पूछ ले तो 0.693 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.693 या फिर LN2 लिख लो। कॉमन सेंस घर पे रख के आते हो तुम लोग, पढ़ाई करने आते हो फालतू की बातें कर रहे हो। कई पढ़ाए मैंने क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले, तुम्हें दे देते ना तो तुमसे होता नहीं अभी। ये जो CGS वाला यूनिट वाला अपन ने एररलेस में देखा था इक्वेशन, उसमें शायद तक बैक्टीरियल दे रखा था इसलिए तुमसे पूछ लिया यहाँ पे। मेरे पास भी लिखा हुआ नहीं तो सही रहता। तो DPS में डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स पर सके या डिसइंटीग्रेशंस पर सके? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ही है।
बट पार्टिकल्स का है वो, है तो पार्टिकल्स ही, किसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए। चलो इसके बाद क्वेश्चन पर ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कैन डिके, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कैन डिके बाय द टू डिफरेंट प्रोसेसेस। नोट करके क्वेश्चन नोट है, क्या लिखा है लास्ट में, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कैन डिके बाय द टू डिफरेंट प्रोसेसेस, हाफ फुल स्टॉप करके लिखना आगे, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज T1, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज T1 एंड फॉर द सेकेंड प्रोसेस इज T2, हाफ लाइफ दे रखी है ना T1 और T2, समझ ही बताइए, शोड इट द इफेक्टिव हाफ लाइफ, showed it the effective half-life, bracket में लिखेंगे ना T, of the nucleus is given by 1 upon T equal to 1 upon T1 plus 1 upon T2, parallel combination जैसा, 1 upon T equal to 1 upon T1 plus 1 upon T2, parallel combination जैसा, cool. अभी देखो इसमें इसमें जो होता है ना, एक एक तो होता है एक ए से बी बनना और बी से सी बनना, और एक होता है ए से बी भी साथ में बन रहा है, ए बी और सी दोनों साथ में बन रहे हैं, इसमें से ये वाली सिचुएशन कौन सी, दूसरे वाली, ठीक है, तो इसका हाफ लाइफ है T1 और इसका हाफ लाइफ है T2 और इस पूरे का मिला के मतलब दोनों का कंबाइंड अगर देखें तो हाफ लाइफ है T, तो आपको प्रूफ करना है, तो इसमें क्या होता है कि इसका लैम्डा 1 और इसका लैम्डा 2, डीके कांस्टेंट अलग अलग होता है, इफेक्टिव जो डीके कांस्टेंट होता है वो दोनों का सम होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln2 upon T1 ln2 divided by T1 ln2 divided by T2 हो गया आपको, इनके कांस्टेंट ये तो भाई याद रखना पड़ेगा, ये चीज दो अगर एक साथ हो रहे हैं, तीन एक साथ हो रहे हैं, तो डाउट लैम्डा वो वाला रिलेशन कैसे आया, वो याद रखना पड़ेगा, बोल रहा हूं दोनों का एक साथ जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तीन दो तीन चार जो भी हो रहे हैं सबका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक साथ सम होगा, देखिए चलो एक और क्वेश्चन लिखो, A factory produces a radioactive substance capital A. A factory produces a radioactive substance capital A at a constant rate capital R. At a constant rate capital R. चलिए rate activity होगी। हाँ। Rate मतलब disintegration per second. Activity है ना? हाँ। At a rate capital R which decays with a decay constant lambda, which decays with a decay constant lambda. To form a stable substance. एक फैक्ट्री है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बनाया जा रहा है किसी कॉन्सेंट्रेट से, बट वो
जो है वो अनस्टेबल बन रहा है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या कर रहा है, वापस डिके कर रहा है, ठीक है, वापस डिके कर रहा है। डिके कॉन्स्टेंट दे रखा है, डिके होने का कॉन्स्टेंट दे रखा है लैम्डा। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखना, स्टेबल सब्सटेंस के बाद फुल स्टॉप, स्टेबल सब्सटेंस के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद लिख लेना फाइंड और उसमें फर्स्ट पॉइंट। फाइंड में क्या क्या करना है अपने को, पहला द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एट एनी टाइम टी, अज्यूमिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए स्टार्ट एट टी इक्वल टू जीरो, अज्यूमिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए स्टार्ट एट टी इक्वल टू जीरो, फैक्ट्री में ए बन रहा है, ए अनस्टेबल है, वो डिके हो रहा है और वो उससे बी बना रहा है। शांति तो रख। थर्ड पॉइंट देखो इसमें, ऑल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ऑल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ कैपिटल ए, ऑफ कैपिटल ए प्रेजेंट एट एनी टाइम, प्रेजेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। समझ आई बात? चलो अब ट्राई करो निकालने का। पहले वाले का जो आंसर निकालना है वो किसी जनरल टाइम पे निकालना है ना, फॉर वो क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, हाँ टी पे तो निकालेगा, टी जीरो पे तो बंद नहीं लगा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो निकालेगा कितने, टी पे तो रिलेशन होगा ही नहीं ना, टी पे तो रिलेशन होगा ही नहीं ना, किसका टी पे डिपेंड करेगा ही नहीं ना, क्या जो है वो मान लो कि 100 पार्टिकल पर सेकंड बन रहा है, ये तो रेट आपको दी गई है, समझ आई बात ये, और डीके जो हो रहा है मान लो कि 20 पार्टिकल पर सेकंड के हिसाब से डीके हो रहा है, वो बी बना रहा है, तो आपको जनरल टाइम टी को निकालना है कि टाइम टी पर ए के पार्टिकल कितने, तो टाइम पे डिपेंड करेगा वो, करेगा नहीं करेगा, ए बन भी रहा है मतलब और साथ में कम भी हो रहा है, ये जो आर दी है वो प्रोडक्शन ऑफ ए है, प्रोडक्शन ऑफ ए है, मतलब ए बन भी रहा है और बनने के साथ साथ डिके भी हो रहा है, आई बात समझ में, वैसे 80 होगा इसका नेट, ए बन रहा है, हां तो इसका 8 होगा तो उसमें निकालना, ए से बी वाला कम है ना, आर से कम, हां ए से कम होगा, नहीं तो फिर कैसे पॉसिबल, बी वाला आएगा आर टी लैम्डा इनटू 1 माइनस ई नॉट ई माइनस लैम्डा के, क्या क्या दोबारा फाइनल आंसर बोल, फाइनल, हाँ फाइनल बोल, फिर उसी से पता लगेगा सही है गलत है, r into e raise to minus lambda t by n by lambda, गलत है, by lambda, गलत है, दूसरे वाले का lambda डिके कांस्टेंट है, r नहीं है, डिके, हाँ r नहीं है, वो डिके कांस्टेंट है, वो r t into 1 minus आर से प्रोड्यूस हो रहा है, ये समझ नहीं आया क्यों क्वेश्चन दे रहे हो, बस
r lambda t into 1 minus t naught raised to minus lambda r lambda t हाँ और आगे into 1 minus e raised to minus lambda t लैम्डा बाहर क्यों आ रहा है कौन बाहर मैं बोल r t मतलब 1 upon lambda होगा 1 minus e की पावर माइनस हां तू बोल रहा है 1 upon lambda होगा फिर r lambda r t upon lambda मैं बोल r t upon lambda 1 minus e raised to minus lambda t नहीं rt into 1 minus e की पावर माइनस लैम्डा t नहीं rt into e raised to minus lambda t सब्जी मंडी है बार्गेनिंग कर रहे हो एक आंसर बोलने को बोला एक बोलो ना सर सोच सर नंबर ऑफ नॉट मिसिंग के लिए डिसिमिनेटेड तो वो मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एट एंड टी पहला अभी पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली दो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एट एंड टी हां देखो इनिशियल तो आर टी होंगे ना इनिशियल आर टी एन नॉट आर टी प्रोड्यूस होंगे और ई उसमें से माइनस 1 माइनस ई की पावर ई रेस टू माइनस लैम्डा टी उतना डिसिंटीग्रेट हां ये एन इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी है वो जो एन होता है और एक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट होता है ना वो हां एक्टिव नहीं क्या दोबारा बोलना एन इक्वल टू एन नॉट उसमें क्या पूछ रहा है एन मिलता है लेफ्ट जितने बचे हुए हैं जितने बचे हुए हैं टी टाइम पे वो होता है तो आर टी की पावर माइनस नीचे लैम्डा पूरा है ना सर नीचे लैम्डा है ना डिनोमिनेटर हां क्योंकि डिवाइड होगा लास्ट में अरे देखना आर इक्वल टू एन लैम्डा होता है हम फाइनल रेट निकाल रहे हैं ना फॉर्मेशन रेट ऑफ ए ए के फॉर्म होने की रेट क्या है आर टी आर टी आर 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 टी तो आ रही है आर अरे आर टी है बेटा आर कैसे हो सकती है मतलब वो पहले मतलब वो 100 से तो 100 थोड़ी ना मतलब 100 बनने के साथ 20 कम भी तो हो जाएगा हां सही बेटा ना हां तो आर माइनस लैम्डा इनटू एन एन क्या है यहां पे n not e की पावर माइनस n is the number of nuclei of a to b at time t second समझे बात को आज से तो वो बन रहा है उसमें से लैम्डा के साथ वो कम भी हो रहा है तो अगर मान लो t टाइम पे इसके पास 100 पार्टिकल हैं समझे बात को तो ये क्या होगा कुछ बना होगा और 100 से कुछ कम हो गया होगा ये रेट हो गई इसके फॉर्मेशन की dn by dt फॉर्मेशन की रेट हो गई है इतने इस रेट से ये फॉर्म हो रहा है r minus lambda into n से समझ आई बात की अब अपने को क्या निकालना है इसमें n निकालना है तो dn divided by r minus lambda into n equal to dt टाइम जीरो पे फॉर्मेशन कितना था इसका टाइम जीरो पे क्या फॉर्मेशन होगा जीरो में जीरो और टाइम टी पर कितना हो जाएगा एन वही तो निकालना है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 / लैम्डा ln r - लैम्डा r - लैम्डा n डिवाइडेड बाय r इक्वल टू t सही है हां अब तो जाएगा सही है ये तो मल्टीप्लाई कर लो एन निकालना है अभी सर आर डिवाइड नहीं नहीं कुछ नहीं हो गया क्या हो गया हमें एन निकालना है हां तो ई की पावर कर देंगे इसको तो ई की पावर पे ले जाओ और फिर मल्टीप्लाई बाय आर माइनस आर अपॉन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास आर / लैम्डा 1 - ई की पावर - लैम्डा * टी हो जाएगा
पर फिर तेने कम नहीं की उसमें से, ये वाले कम भी तो गए, वो तो सिर्फ बनने की रेट हो गई है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें? बी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एट एनी टाइम टी ये तो उसमें से दूसरी टर्म आएगी, पहले वाले नहीं आएगी। मतलब वो ए करने की ना उसमें से बन रहा रखने की ना, ये टी टाइम पर, ये टी टाइम पर ए के न्यूक्लियस बचे हैं आर बाई लैम्डा ई के पावर माइनस, ये टी टाइम पर बचे ना, t टाइम पर अगर मान लो a डीके नहीं होता तो t टाइम पे कितना बन चुका होता, rt 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 माइनस rt कर दो, और पार्ट वाले का इंफिनिटी आएगा, नहीं इंफिनिटी क्यों आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अच्छा राइट, टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी होगा ना, वो t बड़ी वाला पर समझ में नहीं आया, किसी भी जनरल टाइम t पर तो सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हां अच्छा अच्छा सही बोल रहा, मैक्सिमम t इक्वल टू मैक्सिमम पे फिर होगा क्या, मैं बताऊँ फिर बाद में क्या होगा, देखो ए जो बन रहा है वो ज्यादा रेट से बन रहा है और कम रेट से डिके हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इधर तो डिके होने की रेट तो क्या है फिक्स है, बनने की रेट क्या है, ये 100 बन रहा है और 20 कम हो रहा है, पहले कितना हो गया 80, फिर क्या हो जाएगा फिर 100 बना फिर 80 डिके हो गया, 20 डिके हो गया, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना बहुत तेजी से, पहले क्या होगा जैसे ये बन रहा है ना, बनने के साथ साथ इसके नंबर ऑफ डिके कम होंगे शुरू में, डिके ज्यादा होते जाएंगे शुरू में, फिर क्या होगा धीरे धीरे इसकी जो रेट है वो कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या होता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, ए बहुत सारा हो जाएगा डिके होने की रेट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी मतलब क्या कम डिके हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा, डिफरेंस कम होता जाएगा। सर ये दूसरा का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा दूसरा, सेकंड वाला, वो तो सिंपल ही था ना, आर टी माइनस और बचा कितना, जितना बना उसमें से जितना बचा माइनस कर दो तो बी बनेगा उतना, सही है ना, तो सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा RT माइनस ऑफ ये पूरा R बाय लैम्डा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t, और थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितने हैं इसमें R बाय लैम्डा माइनस इनफिनिटी पे, ठीक है और इनफिनिटी के अंदर तो वो जीरो हो जाएगा, यस माइनस इनफिनिटी इक्वल टू जीरो हो रहा है माइनस, वही तो ठीक है आगे वैसा होने में। अब दो चीजें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इन शॉर्ट समझा देता हूँ इसका, मैं वो फोटो भेज दूंगा तुम्हें, थ्योरी है बहुत सारी और देखना है ना। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, पहले फ्यूजन पढ़ लेते हैं, फ्यूजन में अलग होता है, फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, जैसे हेवी न्यूक्लियर होते हैं वो फ्यूजन रिएक्शन में करेंगे है ना, जैसे कि यूरेनियम की इक्वेशन अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, यूरेनियम जो होता है वो क्या होता है ब्रेक होता है, ब्रेक होके ब्रोमीन बनता है, अलग अलग बनते हैं इसमें भी ना, चार या तीन या चार सीरीज होती है, अलग अलग बन सकते हैं, समझ रही बात ही,
पर ऐसे जल्दी नहीं कि हमेशा क्रिप्टोन और क्रोमियम ही बनेगा, और भी बन सकते हैं इसमें, पर स्टेबल होने चाहिए वो वाले जो बन गए वो क्या होने चाहिए, स्टेबल। अनस्टेबल होते हैं तो फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं, आगे मतलब डिके हो जाते हैं, ठीक है। तो फिजन और फ्यूजन करवाने के लिए अपने को बेसिकली क्या है कि डिके करवाने पड़ेंगे और एनर्जी देनी पड़ेगी, या एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन में, या एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, बट दोनों ही रिएक्शन में क्या है एनर्जी रिलीज होती है। बस ये कि कौन सा फ्यूजन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा 10^5 या 10^7 केल्विन टेम्परेचर इतना चाहिए होता है, जो अर्थ पे तो पॉसिबल ही नहीं, सन पे पॉसिबल है, तो वो रिएक्शंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती। यूरेनियम की इक्वेशन में भी क्या होता है कि दो टाइप से करवा सकते हैं, एक तो कंट्रोल रिएक्शन और एक अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल तो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिसमें अपन कंट्रोलिंग रोड्स डाल के क्या कर लेते हैं कि उसको कंट्रोल करवा लेते हैं रिएक्शन को, तीन निकलते हैं उसमें एक ही जाने देते हैं वापस, तीन न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तीन निकलते हैं, मैं बता रहा हूँ है ना, उसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, जो अनकंट्रोल्ड होती है ना वो हमेशा तीन 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 नाइन होते जाएंगे, जो इसमें यूज होगी एटम बम में यूज होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो होती है वो एटम बम में होती है, यूरेनियम की इक्वेशन रिएक्शन करवाते हैं उसमें। अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो क्या है कि आपने उसे रोका नहीं और वो होता जाएगा, जितना यूरेनियम है सब खत्म हो जाएगा, समझ रही बात ये। अब होता ये कि एक न्यूक्लियस का यूरेनियम जब डिके होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है एक एटम, एक न्यूक्लियर ही, और ऐसे दो सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकालता है उस, अब समझ लो तो एक मोल भी डिके हो गया ना, हाँ, तो खतरनाक एनर्जी बन जाएगी। तो कितने साल तक चलेगी वो तो तेरे ऊपर है, तो कितनी कंज्यूम कर रहा है कितने साल तक उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता है, कितने साल तक सोचने से पहले बोल समझा तो कर भी क्या पूछ रहा है कितने साल तक चलेगा, उसमें उसमें ये भी बोला है ना कि कंज्यूम इतनी हो रही है, तो फिर रिलीज करता है एक यूरेनियम एक न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जब डिके होगा ना तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर देगा, वो एवरेज यही है। और एक जैसे वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, बट वो बेरियम और क्रिप्टॉन वाली में तीन निकलते हैं, तीन न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं एक रिएक्शन होने पे। अब यूरेनियम की रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए आपको स्लो न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, स्लो हाई स्पीड न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्लो न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अगर मान लो न्यूट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है तो उसमें लगा दिए जाते हैं मॉडरेटर, तो मॉडरेटर का काम क्या होता है स्लो कर देता है स्पीड को, स्लो कर देता है और रिएक्शन को स्टार्ट करवा देता है, समझ आ गई बात ये। फिर जब रिएक्शन में तीन न्यूट्रॉन जो बनेंगे वो हो सकते हैं हाई स्पीड हो सकता है ऑलरेडी स्लो हो, हाई स्पीड होंगे तो मॉडरेटर से क्या करवा दिए जाएंगे स्लो करवा दिए, एक न्यूट्रॉन से एक यूरेनियम का न्यूक्लियस ट्रिगर होता है, तो एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के लिए इनफ है, समझ आ गई बात ये। तो तीन निकलेंगे तो किसको तीन को ट्रिगर करवा सकते हैं आगे, फिर तीन से नौ तो ऐसे ही अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज देखें तो हमेशा तो ऐसा नहीं है कि तीन ही निकल में, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग निकले, तो ऑन एन एवरेज जो होते हैं वो हो जाता है 2.5 एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2.5 हो जाते हैं, एवरेज जो है वो फ्रैक्शन में पॉसिबल है, एवरेज तो पॉसिबल है ना, कभी दो निकले कभी तीन निकले, तो एवरेज क्या आ सकता है 2.5 आ सकता है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है या तो 3 है या 2 निकल पे ऐसे, समझे बात को। एवरेज पूछे तो 2.5 और वो बेरियम क्रिप्टोन वाली रिएक्शन में पूछे तो 3 बेरियम में आप ब्रोमीन आ रहा है ब्रोमीन के बी बी ए बी ओ होता है ना बी ए बेरियम बेरियम ब्रोमीन बी ए होता है बी ए है ना, तो उसमें निकलते हैं तीन। अब ये वाली जो रिएक्शन है ना सिर्फ यूरेनियम वाली 235 यूरेनियम 235 अच्छा डिके किसका होता है 235 का, जनरली नेचर में कौन सा मिलता है 238 मिलता है ना,
अब वो ऐसा मानो कि ये कितना बहुत कम परसेंटेज में अवेलेबल होता है या फिर इसे बनाना पड़ता है, 235 मिलता है ना? राजस्थान नहीं मिलता है वो, जैसे मान लो कि तुम मोस्टली जनरली 238 मिलता है, उससे 235 बनाना पड़ता है। तो अगर मान लो इतना सारा होता, समझो बात को, इतना सारा अवेलेबल होता तो हम क्यों ये क्या कहते हैं थर्मल पावर प्लांट या सोलर पावर प्लांट लगा के बैठे होते हैं, सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना देते? ये तो टेक्निक से वो उसमें पढ़ाते होंगे यार, केमिस्ट्री में नहीं आती क्या कुछ? रेडियोएक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं तो होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। देखो 238 से 235 इंटरनेट पे पढ़ लेना, बनाने का तरीके क्या होते हैं, वो अपने काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। बट ये क्या होता है कि इतना कम है कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है अपने को ये फ्यूल, समझ रही बात? ये इसलिए कॉस्टली है, और कॉस्टली है तो क्या है, क्या कहते हैं, कम पावर प्लांट अपन ने बना रखे हैं इसके, है ना। फिर दूसरी बात ये कि इसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, हार्मफुल ही है, है ना, ध्यान से। तो एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और अनकंट्रोल्ड हो जाए तो एटम बढ़ा, तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकते हैं अपने को, है ना। एटम बॉम्ब ने क्या अपना लॉस हो सकता है, हम ही लॉस हो। इंडिया में अगर 10-20 लोग भी मर जाए तो वो पूरे इंडिया में मतलब अपना ही लॉस है, और क्या है इस तरीके से वो बोलना चाहता हूँ। मतलब बहुत सारा लॉस हो सकता है, एक बार कहीं पे हुआ है, चेर्नोबिल सबसे ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है अपने वहाँ पे हुआ है, ठीक है। बट कंट्रोल कर सकते हैं वो।